नमस्कार बच्चों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर अपने पढ़ रहे थे अप किरण के माप, म्यूजर ऑफ डिस्पेरेशन। और अप किरण के माप के अंतर्गत अपने टॉपिक पढ़ रहे थे परमाप विचलन, परमाप विचलन। पिछले लेक्चर्स में अपने इंडिविजुअल सीरीज में यानी व्यक्तिगत श्रेणी में परमाप विचलन है वो किस प्रकार ज्ञात किया जाता था, इसके अपने फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। और आज अपने एक सवाल को हल करके देखते हैं। एग्जाम्पल ये है, निम्न समकों से परमाप विचलन ज्ञात कीजिए। अपने को डेज दिन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये तो दिनों की हो गई कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। ये भले लिखो भले नहीं लिखो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनकम अपने को दे रखी, पहले दिन में 18 है, दूसरे में 15, तीसरे में 16, चौथे में 17, पांचवें दिन 16, 25 और 19। यानी इसमें अपने को मूल्य दे रखा है वैल्यू, और फ्रिक्वेंसी इसमें अपने को दी हुई है नहीं। तो ये होगी इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। और अब व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर परमाप विचलन ज्ञात करने की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की दो विधियां होती है। पहली होती है आपके प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड के अंदर अपने दो तरीकों से परमाप विचलन है वो निकाल सकते हैं। एक तो होता है विचलन के आधार पर यानी विचलन लेकर, और दूसरा होता है मूल्य वर्गों के आधार पर। अपने दोनों तरीकों से हल करके देखेंगे। मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। देखो डेज दिन अपने को दे रखे हैं 1 से 7 तक, इनकम दे रखी 18, 15, 16, 17, 16, 25 और 19। अब डायरेक्ट मेथड से जो सवाल है वो दो तरीके से हल होता है। पहला होता है विचलन लेकर और दूसरा होता है बिना विचलन यानी मूल्य वर्गों के आधार पर। अपने दोनों तरीकों से सवाल को हल करके देखेंगे। पहला देंगे विचलन लेकर, विचलन लेकर। और यहाँ मैं बता दूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन परमाप विचलन निकालते समय विचलन हमेशा समांतर माध्य एक्स बार से ही लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने निकालेंगे एक्स बार। एक्स बार निकालेंगे तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एक्स बट्टे एन इंडिविजुअल सीरीज। समेशन एक्स मतलब वैल्यू का जोड़, वैल्यू का जोड़ करें तो समेशन एक्स आ रहा है 126। और एन का मतलब है पदों की संख्या। अगर पद अपने देखें तो 1, 2, 3, 7 दिन है तो एन हो गया 7। तो 126 बट्टे 7 = 18। तो एक्स बार हमारा हो गया 18। और अब अपने विचलन निकालेंगे डी। डी होगा एक्स माइनस एक्स बार, यानी जो वैल्यू है, जो इनकम है वैल्यू, इसको संकेत देते हैं अपने एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार मतलब समांतर माध्य। 18 में से 18 जीरो, 15 में से 18 माइनस 3, 16 में से 18 घटाएं तो माइनस 2, 17 में से 18 घटाएं माइनस 1, 16 में से 18 घटाएं माइनस 2, 25 में से 18 घटाएं तो 7 और 19 में से 18 घटाएं तो 1। ये हो गया डी। डी स्टैंड फॉर द डेविएशन यानी विचलन। और अगला अपने बनाएंगे डी स्क्वेयर, डी की स्क्वेयर करेंगे, 0 की 0, माइनस 3 की स्क्वेयर करेंगे तो 9 आएगा प्लस का, माइनस 2 की 4, 1 की 1, माइनस 2 की 4, 7 की करेंगे तो 7 × 7 = 49 और 1 की करेंगे तो 1। तो समेशन डी स्क्वेयर यानी इसका टोटल हो गया 68। और अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा। सिग्मा का संकेत है ये एस डी का यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, परमाप विचलन। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला है समेशन डी स्क्वेयर बट्टे एन और इसका रूट।
तो समेशन बी स्क्वेयर हमारा आया 68, तो 68 बटे एन सात और इसका रूट 68 में 7 का भाग दें तो ये आ रहा है 9.71 और इसका रूट निकालें तो इसका रूट आ रहा है 3.11, यानी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन पर माप विचलन हो गया 3.11। और अब अपने निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ एसडी यानी परमाप विचलन का गुणांक। इसका फॉर्मूला है सिग्मा बट्टे एक्स बार यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टे एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया 3.11, तो 3.11 बट्टे एक्स बार 18 का भाग देंगे तो 0.17। तो कोफिशिएंट ऑफ एसडी परमाप विचलन का गुणांक आया 0.17। तो ये तो हुआ विचलन के आधार पर, और दूसरा होता है बिना विचलन यानी मूल्य वर्गों के आधार पर। तो अपने x यानी जो वैल्यू दे रखी है, जो इनकम दे रखी, 18, 15, 16, 17, 16, 25 और 19, ये अपने लिखेंगे और इसका टोटल कर लेंगे समेशन x बराबर 126। और दूसरा बनाएंगे x स्क्वेयर यानी वैल्यू की स्क्वेयर करेंगे, 18 की करें 324, 15 × 15 225, 16 की 256, 17 की 289, 16 की 256, 25 की 625 और 19 की 361। तो एक्स स्क्वेयर हो गई हमारी ये, और इसका अपने सारा टोटल करें तो समेशन एक्स स्क्वेयर बराबर 2336। समेशन एक्स स्क्वेयर बराबर हो गई 2336। और अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा बराबर, इसमें फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वेयर बट्टे एन माइनस समेशन एक्स बट्टे एन और इसकी स्क्वेयर। तो समेशन एक्स स्क्वेयर हमारा है 2336, तो 2336 बट्टे एन मतलब 7 माइनस समेशन एक्स 126, 126 बट्टे एन 7 और इसकी स्क्वेयर करेंगे तो 2336 में 7 का भाग दें तो 333.7 माइनस 126 में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो 18 और 18 की फिर स्क्वेयर करेंगे तो 324 और ये सारा रूट के अंदर 333.7 में से 324 घटाएंगे तो 9.7 और इसका रूट निकालेंगे तो 3.11। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ 3.11 और इसमें भी कितना आया था 3.11। तो भले ही आप किसी भी तरीके से सवाल को हल कर लेना, उत्तर है वो सेम ही आएगा। तो डायरेक्ट मेथड में तो ये दो तरीके हुए आपके परमाप विचलन निकालने के, पहला तो होता है विचलन के आधार पर और दूसरा होता है बिना विचलन यानी मूल्य वर्गों के आधार पर। और अब इस सवाल को अपने करते हैं अप्रत्यक्ष या लघु रीति, इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड से अपने इसी सवाल को हल करके देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड, डेज अपने को दे रखे हैं और इनकम अपने को दे रखी। शॉर्टकट मेथड से जब अपने सवाल को हल करते हैं तो उसमें अपने निकालेंगे डी एक्स, डी एक्स बराबर होता है एक्स माइनस ए और ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। तो अब आप कल्पित माध्य है वो कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मैंने ए माना 16, मैंने कल्पित माध्य कितना माना 16। तो x माइनस ए 18 में से 16 घटाएं तो 2, 15 में से 16 माइनस 1, 16 में से 16 0, 17 में से 16 1, 16 में से 16 0, 25 में से 16 2, 19 में से 16 3 होगा। और अगला बनाएंगे dx स्क्वायर,
2 की स्क्वायर 4, 1 की 1, 0 की 0, 1 की 1, 0 की 0, 9 की 81 और 3 की 9। और अपने को देखो n बराबर 7, इसका टोटल करेंगे समेशन x बराबर 126, इसका टोटल करें समेशन dx बराबर 14 और इसका टोटल करें समेशन dx स्क्वायर बराबर 96। शॉर्टकट मेथड में अपने dx निकालते और dx होता है x माइनस e और a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, वो आप कुछ भी मान सकते हो। अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा बराबर समेशन डी एक्स स्क्वायर बट्टे एन माइनस समेशन डी एक्स बट्टे एन और इसकी स्क्वायर और ये सारा रूट के अंदर। तो समेशन डी एक्स स्क्वायर है 96, तो 96 बट्टे एन 7 माइनस डी एक्स 14 बट्टे 7 और इसकी स्क्वायर और ये फिर रूट के अंदर। 96 में 7 का भाग है 13.71, 14 में 7 का भाग दें 2 की स्क्वायर करें तो 4 और 13.71 में से अगर 4 घटें तो 9.7 हो और इसका रूट निकालें तो ये आ रहा है 3.11, यानी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 3.11। और पहले दोनों तरीकों में भी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इतना ही आया था 3.11। यानी मेथड या तरीका भले कोई भी लगा लेना, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर परमाप विचलन ज्ञात करने की दो विधियां होती है। पहली होती है डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि। और डायरेक्ट मेथड के अंदर सवाल को हल करने के दो अलग अलग उसमें फॉर्मूले हैं। पहला तो होता है विचलन लेकर और वहाँ पर विचलन हम हमेशा समांतर माध्य से यानी x बार से लेते हैं। और डायरेक्ट मेथड में ही दूसरा तरीका होता है कि बिना विचलन लिए यानी मूल्य वर्गों के आधार पर। और सेकेंड जो आपके मेथड होते हैं वो होते हैं अप्रत्यक्ष या लघु रीति, इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड। और इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड में भी अपने क्या है कि विचलन लेते हैं और उसको संकेत देते हैं डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो विचलन है वो अपने समांतर माध्य से नहीं लेते बल्कि यहाँ पर विचलन अपने एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य से लेते हैं, तो उसको संकेत अपने दे देते हैं डी एक्स। तो इंडिविजुअल सीरीज में ये दो विधियाँ होती। इसी प्रकार खंडित श्रेणी के अंदर भी ये दो तरह की विधियाँ होगी और सतत श्रेणी के अंदर ये दो विधियाँ तो होगी, इसके अलावा एक विधि और होती है। खंडित श्रेणी में परमाप विचलन है वो किस प्रकार निकाला जाता है ये अपने अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।